नमस्कार साथियों, आज हम हाजिर हैं कला समेकित अधिगम के साथ। मैं और मेरे साथी प्रयास करेंगे कि आपको इस विधा के बारे में, इस शिक्षण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से हम समझा सकें। और मेरे साथी और मेरा परिचय मैं पहले कराना चाहूँगी। मैं हूँ प्रोफेसर पवन सुधीर, NCERT से। मैं डॉक्टर शर्वरी बैनर्जी, कला एवं सौंदर्य बोध शिक्षा विभाग NCERT की सदस्य। नमस्कार साथियों, मैं रुचि वर्मा, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग NCERT में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। तो चलते हैं कला समेकित अधिगम पर। ये कला समेकित अधिगम है क्या? जैसा कि नाम से ही विदित होता है, कला और कला पे आधारित अधिगम। जब हम कला समेकित अधिगम बोलते हैं तो उसमें एकदम से ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में कलाओं का योगदान कैसे लिया जा सके। साथियों, NCF 2005 बात करता है कला शिक्षा की एक विषय के रूप में, और उसी के साथ जोर देता है इस बात पर कि जितना कला शिक्षा एक विषय के रूप में आवश्यक है, उसी तरह से कला को एक साधन के रूप में, एक यंत्र के रूप में, एक अधिगम की प्रक्रिया के रूप में हर स्तर पे किस तरह से प्रयोग में लाया जाए। तो इसके ऊपर NCERT ने कार्य किया। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर ना केवल ट्रेनिंग्स और लिखने के कार्य हुए, पर इस पे हमने रिसर्च किया। देश के लगभग 15 राज्यों में अलग अलग स्तर के जो हमारे विद्यालय हैं, खास करके जो बॉटम लाइन स्कूल्स हमारे हैं, उनमें जाकर के इसके ऊपर प्रयोग किए गए और ये देखा गया कि ये विधा कितनी असरदार है। और उसके बाद अब हम निष्ठा में इसे अपने सारे साथियों के लिए एक पेडागॉजी के रूप में लेकर के हाजिर हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं इससे कि जब कला समय के अधिगम की बात होगी तो हम लोग क्या ऐसा कार्य या क्या ऐसी एक्टिविटी शुरू में करें जिससे कि बच्चे कला भी कर पाएँ और सीख भी पाएँ। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा प्रयास करते हैं आइस ब्रेकर के माध्यम से, जो आपको एक कक्षा कक्ष में होते हुए भी दिखाया जाएगा। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आइस ब्रेकर होता क्या है। आइस ब्रेकर को, जैसा नाम से ही हम सबको पता चल जाता है कि जब हम लोग किसी भी कार्य को शुरू करते हैं और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, या यूँ कहिए कि एक धरातल पे नहीं है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी छोटी गतिविधि की जाए जिसके माध्यम से जो लर्नर है वो तैयार हो जाए अगले अधिगम के लिए। तो ये जो एक्टिविटी होती है, इसको हम बहुत औपचारिक रूप से नहीं कराते। प्रयास रहता है कि इसे एक खेल के रूप में दिया जाए और इसका समय 5 या 10 मिनट ही रहता है। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको ऐसी कई एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, पर जिस थीम पे आज हम चर्चा करेंगे इस मॉड्यूल को लेकर के, वो है पानी। और पानी को के साथ बच्चों को जोड़ने के लिए हमने वहाँ पे एक एक्टिविटी की जिसका कि एंड रिजल्ट था कि सबको ये लगने लगा कि हम एक बरसात के मौसम में बैठे हैं। तो आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी एक कक्षा कक्ष में कैसे की जाती है। फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड, दोज हु कैन रियली यूज देयर हैंड्स वेल। 3 अब ये जो आइस ब्रेकर हमने किया, इस आइस ब्रेकर को आगे गतिविधियों के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए मैं चाहूँगी डॉक्टर शर्वरी बात करें। हमने देखा कि उंगलियों से किस तरह पहले एक उंगली की आवाज़, फिर 2 उंगली की आवाज़, इस तरह से 5 उंगलियों की आवाज़, उसके बाद फिर से वापस आई 1 उंगली की आवाज़। तो ये एक एहसास है बच्चों के लिए कि वो किस तरह से बारिश आती है और जाती है, और उस बारिश का आनंद हम कैसे ले सकते हैं। हम और भी क्लिपिंग आपको दिखाएंगे जिसमें भी कि देखेंगे कि बारिश से लोग कैसे बच रहे हैं, कि नीचे पानी है और वहाँ गड्ढा है और किस तरह से कूद के वो जा रहे हैं।
ये सब गतिविधियाँ जब हम क्लास में करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे एक उसको समझ में आता है कि बारिश कैसी होती है, बारिश में किस किस तरह का वातावरण होता है, और या तो बारिश का आनंद लेते हैं या तो बारिश से बचते हैं या तो बारिश में खूब मज़े करते हैं। हम इस तरह की गतिविधि से हमने एक बच्चे का जो फोकस है वो बारिश पे हम ले आए, और उसके बाद बच्चे को हम क्या क्या समझा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हमारे एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज भाग एक में क्लास नाइन्थ के लिए एक कविता है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसमें क्या है, मेघ कैसे आते हैं और किस तरह से हर तरफ छा जाते हैं, और मेघ के जो कण हैं वो किस तरह से चिड़िया, घास, पेड़ पौधे, मनुष्य को एकदम उत्साहित कर देते हैं। तो हमने पहले क्या किया था कि आइस ब्रेकर से हमने बच्चे का जो फोकस है वो तैयार कर लिया। उसके बाद हम जब ये चैप्टर अगर उनके साथ पढ़ाएंगे तो उनको भी मज़ा आएगा, क्योंकि उन्होंने एक सामने इमेज को बना लिया है, विजुअलाइज कर लिया है। उसी तरह एक भाग तीन वसंत जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है कक्षा आठ के लिए, उसमें पानी की कहानी, हम जानते हैं कि जो बारिश है वो पानी का ही एक रूप है, तो किस तरह से पानी अपनी कहानी बताती है, ये एक निबंध है। उसके बाद हमारे कक्षा सात में बसंत में ही भाग दो जो है उसमें एक कविता है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, ये मीराबाई की रची हुई है, हमने इसमें बहुत सारे गाने भी सुने हैं। तो हम इस तरह के जो हमारे पाठ्य पुस्तिका में जो चैप्टर्स हैं उसको हम किस तरह से पानी का ये आइस ब्रेकर करके हम जोड़ सकते हैं। एक्चुअली जो क्या है, हमें फोकस चाहिए हमारे साहित्य को समझने के लिए, शब्दों को समझने के लिए, और जब बच्चा विजुअलाइज कर लेता है उसको कि बारिश में क्या 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 बातें होती हैं, तो वो ये सब हम लोग ईजिली उनको पढ़ा सकते हैं। मकसद यही है आइस ब्रेकर का। जी, अब प्रोफेसर रुचि, आप यदि सब दर्शकों को ये एक्सप्लेन कर सकें कि जब हमने आइस ब्रेकर किया उसके बाद हमने जो है वो कुछ प्रश्न उत्तर किए, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करा के हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसका एक पर्पस है, वहाँ से हम उसको विधिवत जो है वो अगले पड़ाव पे लेके आते हैं। और हमारा अगला पड़ाव आ जाता है कि हम कुछ इस तरह की एक्टिविटी प्लान करे हुए हैं जो मॉड्यूल्स में भी हैं, जहाँ पे हम ग्रुप एक्टिविटी देते हैं और अगला कार्यक्रम जो है उसकी तरफ उनको एक प्रेरित करके लेकर के आते हैं। तो यदि हम पानी को ही थीम लेकर के चल रहे हैं तो उससे अगला जो पड़ाव है वो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और कैसे दिया जाना चाहिए? धन्यवाद पवन जी। उससे पहले मैं ये इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि मैं कुछ जो अभी हमने आइस ब्रेकर की बात की उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। आइस ब्रेकर आपने देखा और आपने उसको काफ़ी महसूस भी किया होगा और आनंद भी लिया होगा। आइस ब्रेकर का मतलब एनर्जाइज़र, जिसको कि हम दूसरे शब्दों में एनर्जाइज़र भी बोलते हैं, और चूंकि मैं विज्ञान शिक्षा के साथ जुड़ी हुई हूँ तो यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कला को विज्ञान के साथ समेकित करना कितना न्यायोचित है और कितना सफल है, क्योंकि ये हमेशा से एक प्रश्न चिन्ह रहा है कि विज्ञान और कला का समेकन कैसे संभव है, और अगर संभव है भी तो कितना वो फ्रूटफुल है, कितना उसका फ़ायदा हमें मिल सकता है। तो यहीं पर मैं कोट करना चाहूँगी अल्बर्ट आइंस्टाइन को, एक्चुअली कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो एक बहुत अच्छे वायलिनिस्ट थे, और उन्होंने कहा, आई प्रैक्टिस वायलिन टू कीप माई माइंड शार्प। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, इससे ये हमें अंदाज़ा लग सकता है कि बौद्धिक विकास, मानसिक विकास के लिए कला का कितना बड़ा योगदान है। इसी तरीके के और बहुत वैज्ञानिकों के उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, गैलीलियो हैं, और बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे वैज्ञानिकों की, और आप पाएंगे कि अक्सर वैज्ञानिक कलाकार भी होते हैं। तो एनर्जाइज़र जो हमने यहाँ यूज़ किया, कला को हमने एक एनर्जाइज़र की तरह यूज़ किया, उसके हमारे मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या अधिगम के लिए उस विषय वस्तु से या किसी भी चीज़ से हमारा जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है, और वो जुड़ाव हमें कला प्रदान करती है, वो एक प्लेटफॉर्म देती है, वो एक ऐसा मौका देती है कि हम उस चीज़ के साथ जुड़ जाएं।
और दूसरा, जब हमें किसी चीज़ से जुड़ाव होता है तो उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो एनर्जाइज़र या हमारा आइस ब्रेकर काम करता है, चीज़ों के साथ जोड़ता है और ऑटोमेटिकली हम उसके लिए सेंसिटाइज हो जाते हैं, उन चीज़ों को करने के लिए हमारा मन करता है। और जब एक बार हमारी इच्छा जागृत हो गई है, हम ऑटोमेटिकली गाइड हो चुके हैं, यानी कि हम पुश हो चुके हैं, हमें धकेल दिया गया है उस प्रक्रिया की तरफ जो कि हमें हमारे लिए वांछित है एक शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में जाने के लिए। अब चूंकि हमारा लर्नर उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुका है, शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में जा चुका है, तो अब अगला कदम, अगला चरण, एक शिक्षक होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि अब कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ या कुछ ऐसी गतिविधियों के साथ मैं अपने लर्नर को जोड़ूं जिससे कि मैं उसको उस डायरेक्शन में ले जा सकूं जो कि मेरा उद्देश्य है, जो मेरा एक्चुअली मैंने लर्निंग आउटकम सोचा है, जो आउटकम्स को मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे में पनपें, जिन कौशलों को मैं विकसित करना चाहती हूं मेरे लर्नर में आए, उस दिशा में ले जाने के लिए अब इस एनर्जाइजर ने मेरे पास भूमिका बना दी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब हम एनर्जाइजर को या आइस ब्रेकर को यूज़ करते हैं तो उसका जो उद्देश्य है वो बहुत सिकुड़ा हुआ या सीमित नहीं है, बहुत नैरो नहीं है, हमें ये मल्टीपल डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर जल को लिया, वाटर एज अ थीम लिया। वाटर एज अ थीम में जब हमने रेन वाली एक्टिविटी की तो रेन वाली एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ पानी के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को ही हमें नहीं बताती है, बातों ही बातों में, डिस्कशंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी निकल कर आएंगे जो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कब फिजिक्स में पहुंच गए, कब केमिस्ट्री में पहुंच गए, कब बायोलॉजी पढ़ने लगे, कब हम सोशल साइंस पढ़ने लगे, कब हम लिटरेचर पढ़ने लगे। तो उस तरीके के माहौल को डेवलप करने के लिए या उस तरीके का एम्बियंस क्लास में क्रिएट करने के लिए शिक्षक होने के नाते मेरा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि मैं कुछ चर्चा के बिंदु वहाँ स्थापित करूँ और ऐसे चर्चा के विषयों को चुनकर बच्चों के साथ साझा करूं और उन्हें मौका दूं कि वो उन बिंदुओं पर क्या प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं, और उन प्रतिक्रियाओं को लेके जाते हुए ही मैं अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ा सकती हूं। थैंक यू रुचि जी। अब ये तो साथियों हमें पता चल गया कि कला के क्या क्या महत्व है और वो किस तरह से सब विषयों के साथ जुड़ाव रखता है और किस तरह से एक अधिगम के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है, किस तरह से बच्चों को हम धीरे धीरे धीरे, बच्चे या कोई भी लर्नर को धीरे धीरे हम कला के माध्यम से उस उद्देश्य तक ले आते हैं जो हमने अपने सेशन के लिए, मॉड्यूल के लिए या जो भी प्रक्रिया हमने तय करी है उसमें जिस तरह से निश्चित किया है। तो अब बात करते हैं आगे कि इस एक्टिविटी के बाद, इस चर्चा के बाद हम चाहते क्या हैं, जो हमने मॉड्यूल बनाया है कला समय के अधिगम का और जिसमें पानी को एक थीम की तरह से लिया है, उसमें हमने हर विषय के कुछ लर्निंग आउटकम्स दिए हैं, क्योंकि ये देखा गया कि इस पर्टिकुलर थीम के साथ कोई ऐसी क्लास नहीं है या ऐसा विषय नहीं है जिसका जुड़ाव नहीं है। हर विषय का, इंक्लूडिंग गणित, सब विषय का पानी जो थीम है उसके साथ जुड़ाव है। तो हमने कक्षाएं भले ही वहाँ दे दी, हमने बुक्स भी कहीं कहीं रेफर करी, पर हमारा फोकस था लर्निंग आउटकम पे कि यदि हम गणित कर रहे हैं तो लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगी, भाषा कर रहे हैं तो लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी, और यदि विज्ञान की बात हो रही है तो लर्निंग आउटकम क्या होगी। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में एक एक्टिविटी थी ऐसी जिसमें हमने साहित्य के साथ इसे जोड़ा और बात करी मॉनसून डायरी की, तो जो बरसात का अनुभव अपने लर्नर्स को दिया, उसके बाद उनको हमने ग्रुप्स में बांटा। अब जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे ये स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि कला समय के अधिगम में हम लोग इस चीज़ पे बहुत बल देते हैं कि जितना हो सके, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हमारा लर्नर हो, पर उनको एक समूह में काम करने का मौका मिलना चाहिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा, जो हम सब ने महसूस किया है, ये कारण है कि जब हम अकेले किसी कार्य को करते हैं तो हम एक फ्रेमवर्क तक सीमित रह जाते हैं या फिर केवल एक अपनी कल्पना जो है उस तक हमारी दौड़ रहती है, पर जब हम ग्रुप में
किसी भी एक पॉइंट को लेकर के विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम बहुत गहराई तक और बहुत आगे तक निकल जाते हैं, जो हमारे विशेष टॉपिक के लिए या जो भी विषय हमने चुना है उसके लिए एक पैडिंग तैयार कर देता है और इतनी हॉरिजॉन्टल लर्निंग की कैपेसिटी तैयार हो जाती है कि बच्चों ने जितना पाठ्य पुस्तकों में पढ़ना है या जितना उसको लर्निंग आउटकम के लिए चाहिए वो कहीं उससे ज़्यादा जान जाता है और उसको अनुभव कर लेता है। ग्रुप में शेयरिंग होती है या एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, सबकी एक अपनी अपनी विचारधारा है जी। वो जब उसको शेयरिंग करते हैं और उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन बनती है तो इससे क्या होता है कि एक से भले दो और भले से दो से भले चार, इस तरह से प्लस वृद्धि होती है। उसमें समय का भी जो है वो प्रेशर रखते हैं। आप देखेंगे कि हर कार्यकलाप जो दिया है यहाँ पे उसमें एक समय सीमा दिया है कि इसमें 10 मिनट चाहिए, इसमें 15 मिनट चाहिए, तो उसका प्रेशर हर ग्रुप पे रहता है और एक टीम जो है वो स्पिरिट तैयार होने शुरू होती है। हर ग्रुप सोचता है कि मैं समय रहते अपनी इस एक्टिविटी को पूरा कर लूँगा। और उससे जो है ये पाया गया है कि जितने लर्निंग आउटकम्स हमने सोचे हैं वो सारे लर्निंग आउटकम्स बिना पाठ पे पहुँचे ही बच्चे पूरा कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं। तो इसी के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये चाहूँगी कि प्रोफेसर रुचि उसमें कुछ कहना भी चाह रहे हैं। हाँ, मैं कहना चाहती थी कि इसी के साथ काफ़ी बातें आपने बोल दी हैं, लेकिन एक बहुत ख़ास बात कि हमारा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होने में और साथ में कला अगर हो तो कहते हैं ना तड़का लग गया, तो उस तरीके की बात हुई कि ग्रुप एक्टिविटी और कला ये दोनों मिलके आपका सामाजिक और भावनात्मक विकास भी साथ में करते हैं, जो कि एक सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हमारा चाहे मानसिक विकास हो चाहे शारीरिक, लेकिन अगर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आप अधूरे हैं। और ये तो परेशानी अभी का जो जनरेशन है वो झेल भी रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ इसमें यही है कि हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट हमें मिलता है। एक और बात यहीं पे मैं जो है वो स्पष्ट करना चाहूँगी वो है जो हम असेसमेंट की बात करते हैं कि असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हमने ये पाया है कि कला समेकित अधिगम या इसे इंग्लिश में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो कहते हैं, ये ना केवल सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को पूरा करता है, उस प्रक्रिया के दौरान इतने अलग अलग पड़ाव पे बच्चों के ज्ञान को वो कितना पहले से जानते हैं, क्या हमें और उन्हें देना चाहिए, इस सब का भी हमें ज्ञान कराता है। तो उसके लिए भी हम कला की जो गतिविधियां हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो असेसमेंट जो है इसमें अलग से हम करने की बात नहीं करते हैं। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल बात हुई कि हमने एक एक्टिविटी करी और उसके बाद से हमने ग्रुप से फीडबैक लेना शुरू किया जी। जब हम फीडबैक लेते हैं आप में देखेंगे भी कि हमारे जो वयस्क प्रतिभागी थे उनमें एक होड़ लगी थी अपनी बात बताने की, क्योंकि हमने उनको 3 ग्रुप में बांटा और हर ग्रुप की तरफ से ये था कि हम अपनी बात को कह पाएं, और वो ऐसी बातों तक अपने अनुभवों को शेयर करते रहे कि हमें ये लगा कि जितना दी गई या सोची गई लर्निंग आउटकम या हमने जो थीम ली है उसमें आना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो उससे पहले ही पूर्ण कर चुके थे। तो हम ये भी एक याद रखेंगे जो हमें मॉड्यूल में जगह जगह देखने को मिलेगा, हर एग्जाम्पलर में मिलेगा कि कहाँ कहाँ हम असेसमेंट के लिए छोटे छोटे स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी क्योंकि हम अधिकांशतः ये सोचते हैं कि जब भी असेसमेंट की बात होती है तो पेपर पेंसिल या तो हमारा मेन टारगेट वही रहता है कि पेपर पेंसिल टेस्ट हो जाए या ओरल टेस्ट हो जाए, या फिर छोटी मोटी जैसे विज्ञान से चूंकि संबंधित हूँ तो छोटी मोटी कोई एक्टिविटी दे दी जाए या उस पर कुछ प्रश्न दे दिए जाए। लेकिन जब हम कला का समावेश कर लेते हैं तो कला हमें एक बहुत अच्छा माध्यम देती है असेसमेंट के लिए भी, और वो भी एक रुचिकर ढंग से। तो उस रुचिकर ढंग से अगर हम असेसमेंट प्रोसेस में जाते हैं तो बच्चा भी आनंदित होता है और वो अपना 100% देने का कोशिश भी करता है। जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगी, रंगोली एक माध्यम है। तो कभी सोचा नहीं था, जब पहली बार मैंने भी देखा मैं भी अचंभित हुई, आश्चर्य था कि सोलर सिस्टम पे रंगोली है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे रंगोली है पूरा। क्योंकि बायोलॉजी में आप ड्राइंग स्किल्स पे बहुत फोकस करते हैं और जिसका ड्राइंग अच्छा है
वो चूंकि कला उसके हाथ में है, तो क्यों ना हम उसके उस कौशल का उपयोग करते हुए बाकी बच्चों को भी प्रोत्साहित करें। तो हमने असेसमेंट के लिए रंगोली एक माध्यम चुना और हमने बच्चों से रंगोली बनवाई। अब वहाँ पर कितनी खूबसूरत रंगोली बनी ये हमारा उद्देश्य नहीं था, ये था कि उन्होंने चूंकि साइंस का कंसेप्ट उठाया है तो साइंटिफिकली वो कितना अच्छे से उसको कर पाए, कितना समझ के उसको उतार पाए रंगोली में, वो हमारा उद्देश्य था। तो उस तरह से बच्चों ने आनंद भी लिया और इसी बहाने वो बहुत कुछ सीखे भी। जी, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि देर इज़ आर्ट इन एवरी चाइल्ड, ये एक बात है। तो जब हम उसको आर्ट में जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो ऐसा लगता उसकी ना स्पॉन्टेनिटी बढ़ती है, उसके जो अंदर के जो विचार हैं वो एकदम से वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को मतलब बात करने में झिझक रहा है या वो उस मतलब हम लोग अब क्लास में 40-45 बच्चे हो सकते हैं, 50 भी बच्चे हैं हम देखते हैं, अब सबको मौका देना भी मुश्किल होता है, लेकिन जैसे हमने उसको रंगोली जैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया या सबको नृत्य जैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया, तो उसके अंदर की जो स्पॉन्टेनियस बातें हैं, जो खूबसूरती है, जो बारीकियाँ हैं, वो एकदम से निकालते हैं। तो ये आर्ट में ये एक बात है। और हम जानते हैं किसको नहीं अच्छा लगता है गाना गाना, नाटक करना, किसको नहीं अच्छा लगता कविता पाठ करना, किसको नहीं अच्छा लगता कि हम नाचे गाएं। तो ये जो इस तरह का एक माहौल बन गया, इससे जो सीखने की प्रक्रिया और भी सशक्त हो गई। ये आर्ट की एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू शर्प्रीत जी। अब मैं यहीं से लेके आती हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी बात कही। और कौन नहीं चाहता या कौन नहीं कर सकता, ये तो इतना स्वाभाविक है कि हर बच्चा करता है। तो ये कला समेकित अधिगम में हर मॉड्यूल में ये ध्यान रखा गया है कि अपने अध्यापक को हम ये भी बता सकें कि कैसे ये हर बच्चे के लिए, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे सफल सिद्ध होती है या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके ऊपर भी आपको जगह जगह इसमें ऐसे स्पेसेस मिलेंगे। एनीवे, अब मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि इसीलिए तो मॉड्यूल है, और प्रशिक्षण के दौरान आप इसमें पूरी सेल करेंगे, आप इसमें से गुजरेंगे और ये पाएंगे कि इसमें और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको रुचिकर बना सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।